हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी चैनल। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो हमने लास्ट वीडियो कवर की थी उसके अंदर हमने पुर्तगाल, जितने भी पुर्तगालीज को फेवरेबल कंडीशंस थे, हुगली को उन्होंने कैप्चर कैसे किया, रिलीजियस कंटेक्स्ट क्या था, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो एक बार हम जो जितने भी हमने तीन लेक्चर डेवलप किए उसको एक बार सम अप कर लेते हैं कि पुर्तगालीज का राइज एंड फॉल कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले जो अराइव यहाँ पे हुए थे इंडिया में कौन थे, वास्को डी गामा, और उनकी मीटिंग किन से हुई थी, जैमोरिन से, जो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, राइट। फिर यहाँ पे 1503 में पोर्तुगीज की पहली सेटलमेंट होती है कोचीन में। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि इससे पहले भी एक और सेटलमेंट हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किस वजह से वो फेल हुई थी, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सिर्फ आपको जस्ट रिकैप बताया जा रहा है। ऑलराइट, 1505 के अंदर कन्नौर के अंदर सेकेंड पोर्तुगीज फोर्ट एस्टैब्लिश होता है, एंड आपको ये बताना है कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, ओके? लेकिन 1509 में इजिप्शियंस की, देखिए जो इजिप्शियन की जो डिफीट हुई थी 1509 में थी, लेकिन इजिप्शियंस एंड गुजराती ने सबसे पहले 1507 में डिफीट किया था किसको, मिस्टर अल्मेडा को। और इस फाइट के अंदर जो अल्मेडा के बेटे थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा था। एंड 1509 में अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ, जिसको आर्मेडा मैंने आपको बताया था, आर्मेडा क्या होता है, जिसमें मोर देन 100 शिप्स होती है, वो उसके साथ इंडिया में आते हैं। एंड जितनी भी ये कोलैबोरेशन ऑफ पावर्स होती है इनको क्रश कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फेवरेबल ट्रीटीज़ के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कर पाते हैं अपने फर्दर पोर्ट्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट इवेंट होता है मिस्टर अल्फोंसो की तरफ से, जो पोर्तुगीज के गवर्नर होते हैं, जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को एक्वायर किया था। देखिए, इन्होंने अपने माइंड का यूज़ करके गोवा को एक्वायर किया था, एंड अलेक्जेंडर के बाद ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर किसी एरिया को कॉन्क्वर, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट किया था, जो यूरोपियन थे। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 1530 में डिक्लेयर किया गया था गोवा को एज ए कैपिटल। तो आपको ये बताना है कि गोवा से पहले इनका जितना भी ट्रेडिंग एंड मेन सेंटर जो ट्रेड का था वो कौन सी एरिया में थे, कोचीन में था, कन्नौर में था, या कालीकट में था, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है, राइट। 1535 में ये दीव के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आई थिंक मैं आपको लास्ट टाइम में बताना भूल गया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए, जो बहादुर शाह थे वो यहाँ पे इनके पास हेल्प के लिए आते हैं पोर्तुगीज की तरफ, क्योंकि इनकी जो नेवी थी एंड जो मिलिट्री सिक्योरिटी को देख के जो बहादुर शाह को लगा कि ये इनको हेल्प कर पाएंगे। उस टाइम हुमायूं का गुजरात के ऊपर इन्वेजन हो रहा था, ये बात है 1535 की, एंड वो इन्वेजन नियरली 2 ईयर तक चलाती है, यानी 37 तक। जैसे ही हुमायूं वापस जाते हैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, तो बहादुर शाह क्या करते हैं कि जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे पोर्तुगीज को वो रिफ्यूज़ कर देते कि आपसे जो भी हमारी ट्रीटी हुई थी वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे पे जो थ्रेट था वो ख़त्म हो चुका है। तो जो पुर्तगीज थे उनको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, तो उन्होंने बहादुर शाह को सिर्फ एक ही मैसेज सेंड करवाया कि आप हमारे शिप पे आइए, हम इस ट्रीटी को कंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो पाए, जिसकी वजह से बहादुर शाह को मार दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा इंसाइट था, मैं उस वीडियो में आपको बताना भूल गया था। एंड धीरे धीरे यहाँ पे जो पुर्तगीज थे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को एंड डिफरेंट डिफरेंट जो बंदरगाह थे उनको कैप्चर करते गए। 1559 में इन्होंने किसको कैप्चर किया, दमन को। फिर इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी अपने एरिया, जो अपने विंग्स थे, जो भी इन्होंने अपना स्पैन था, बढ़ाना स्टार्ट किया। ऑलराइट, हुगली को भी इन्होंने फिर कैप्चर किया। अब सबसे जो मेजर इवेंट था इनका फॉल का, वो ये था कि जब ये 1612 के अंदर विलियम हॉकिंस आते हैं, ये उसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेंसी रचते हैं, लेकिन वो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है उसका, कि ये 1611 में सूरत में ब्लॉकेड क्रिएट करते हैं ब्रिटिश की, ताकि कोई भी ट्रेडिंग के लिए शिप ना पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो विलियम हॉकिंस थे वो वापस जाते हैं एंड अपने साथ दो शिप्स लेके आते हैं, एक का नाम ड्रैगन था एंड दूसरे का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है, राइट। तो 1612 में सूरत को ये हार जाते हैं, किससे, इंग्लिश से, यानी ब्रिटेन से। और जो लास्ट इनका जो एरिया था मालाबार कोस्ट में, वो हम आगे आपको मैं बताऊंगा कि मालाबार कोस्ट एक्चुअली कहाँ लाया करता है, ठीक है। जो मालाबार कोस्ट में इनके जो मेन फोर्ट थे वो कौन इनसे छीन लेते हैं, डच। तो ये इनका पूरा राइज एंड फॉल था, जो हमने जो लास्ट तीन वीडियो हमने कंप्लीट किया उसके अंदर हमने इनको कवर किया। ऑलराइट, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम डच को कवर करते हैं।
देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले डच थे पहुंचने वाले वो इंडिया नहीं पहुंचे थे, ये आपको ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? ये सबसे पहले पहुंचे थे कहाँ पे? सुमात्रा में। राइट, सो मिस्टर ह्यूटमैन यहाँ पे कब पहुंचे थे? 1596 में। अब इनको परमिशन किन से मिली थी? इनको परमिशन मिली थी जर्नल स्टेट ऑफ नीदरलैंड। अब जर्नल स्टेट ऑफ नीदरलैंड ने 1602 के अंदर एक कंपनी स्टैब्लिश की जिसको बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो स्टूडेंट आपको एक चीज समझने की, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो फ्यूचर जो लेक्चर होंगे उसके अंदर में भी काम आएंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन की नहीं थी। बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, उसके अंदर से जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो टिकी रही, एंड जिसने 200 साल तक इंडिया पे राज किया वो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। राइट, तो यहाँ पे एक और ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, वो किसकी है? नीदरलैंड की। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या राइट होते हैं कि अगर आपको अपनी ट्रीटी कंक्लूड करनी है, राइट, अगर आपको फेवरेबल कंडीशंस में अपनी ट्रीटी को कंक्लूड करना है, तो इनके पास प्रॉपर राइट था कि आप वॉर भी डिक्लेयर कर सकते हो। राइट, आपको पावर का भी यूज करना है तो आप पावर का भी यूज कर सकते हो, ये सारी इनको छूट मिली थी। ऑलराइट, तो आगे चलिए हम डिस्कस करते हैं डच के बारे में। अब ये आता है कि हमें जो सुमात्रा, देखिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको बैक करके समझाता हूँ, ये सबसे पहले इस एरिया में पहुंचे थे। अगर अभी हमें ये देखना है कि वर्ल्ड में कहाँ लाई करता है ये, राइट, अगर हम इसको इंडिया के कंपैरिजन में देखें, देखिए ये इंडिया है यहाँ पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड ये सुमात्रा है। राइट, एंड मैंने आपको बताया था कि हम मलय जो मालाबार कोस्ट है उसे भी आपको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो स्टूडेंट जो मालाबार कोस्ट है वो यहाँ पे लाई करता है। राइट, केरला के नियर बाय ये मालाबार कोस्ट है, ये कोरोमंडल कोस्ट है, एंड यहाँ पे ये स्नाय पेनिनसुला है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये हम फर्दर लेक्चर्स में भी आपको डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको जो रिकॉल है आप इजीली कर पाए इन सारी चीज़ों को। चलिए आगे चलते हैं। अब जो डच की सेटलमेंट है, सबसे पहली जो इनकी सेटलमेंट हुई थी वो हुई थी मुसेलीपट्टनम में। ऑलराइट, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मुसेलीपट्टनम कहाँ पे, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये मुसेलीपट्टनम है। ऑलराइट, ये इनकी जो सेटलमेंट कब हुई थी? 1605 में। उसके बाद इनके जितने भी मेन पोस्ट थी मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट लगा दिया है। देखिए ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, जितने भी हम यहाँ पे अगर पोर्ट्स की बात करेंगे यहाँ पे इसी चार्ट का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता हूँ, 1658 में नागपट्टनम, ये जो ये डच का ये फ्लैग है। राइट, आपको नीचे कमेंट में सभी लोकेशंस को इस फ्लैग के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके बताना है मुझे कि किस जगह पे जो सेटलमेंट कब हुई थी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जो डच थे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले ही थे जिन्होंने इंडिगो की खेती को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अगर हम फर्दर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, इंडिगो रेवोल्यूशन भी हुआ था, ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अगर ये कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिगो की जो प्लांटेशन है इंडिया में किस फॉरेन पावर की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ था, वो कौन थे? डच। राइट, इंडिया के अंदर कैश्यू जो सुपारी होती है वो एंड टोबैको, ये इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? ये मेरा क्वेश्चन है, ये आपको नीचे कमेंट में आंसर करना है क्योंकि हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब बात आती है कि जो डच है वो इंडिया के अंदर इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। रीजन यही था कि इनका अंग्रेजों के साथ राइवलरी इतनी ज़्यादा हो गई थी, कॉन्स्टेंट वॉर की वजह से ये इंडिया के अंदर सेटल नहीं हो पाए। राइट, सो सबसे मेन चीज़ देखिए यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ समझने वाली ये होगी कि ब्रिटिश एंड पोर्तुगीज इंडिया में किस मकसद से आए थे। सबसे पहले ये आए थे ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन जब इनको वैक्यूम दिखता है कि यहाँ पे हम सुपीरियर है एंड यहाँ पे ऑलरेडी पावर स्ट्रगल चल रहा है, यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं, तो इनका जो इंटेंशन था ट्रेडिंग से चेंज हो जाता है रूलिंग पे, सेम यही ब्रिटिश का होता है। लेकिन डच प्योरली प्योरली किस माइंडसेट से आए थे? कमर्शियल माइंडसेट। राइट, इनको जहां प्रॉफिट लगा ये वहां पे मूव हो गए। तो अब ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इतनी इजी हुई। ऑलराइट, तो सबसे जो मेन क्लाइमेक्स हुआ था, राइट, इस एरिया पे जो एम्बोयाना है वो आज की डेट में जो इंडोनेशिया है उसका पुराना नाम है, जो कि 1605 में कैप्चर किया गया था किससे? पोर्तुगीज की तरफ से। राइट, तो जो हमने अभी पूरी समरी पढ़ी है पोर्तुगीज की राइज एंड फॉल में, तो ये भी एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि 1605 में जो इनका इंडोनेशिया के अंदर जो प्रभुत्व था वो खत्म कौन करता है? डच करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे पिक्चर मेंशन कर दी है
ताकि इजीली आप इंडोनेशिया को आइडेंटिफाई कर पाए कि इंडोनेशिया एक्चुअली लाई कहाँ करता है. ऑल राइट, नेक्स्ट जो होता है इनका कंपनसेशन. देखिए कंपनसेशन एंड कॉम्प्रोमाइज की अगर हम बात करें, कॉम्प्रोमाइज में ये होता है इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेड्स होंगे. राइट, मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ. देखिए ये जो इंडिया का पूरा पोर्ट है साउथ इंडिया, यहाँ पे जितने भी पोर्ट होंगे, जितने भी ट्रेडिंग राइट्स होंगे वो किसके पास चले गए, वो चले गए ब्रिटेन के पास. एंड जितने भी स्पाइसेस, सिल्क, जितना भी इंडोनेशिया के अंदर ट्रेड था उसके राइट किसके पास गए, डच के पास. राइट, यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है कि कौन से राइट डच को गए और क्यों गए, और ब्रिटेन के पास जो राइट आए वो क्यों आए. तो डच ने इंडिया को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त ना तो पोर्तुगीज एंड ना ही फ्रांस और ना ही ब्रिटेन, इन तीनों में से कोई भी इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा था कि वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी हुकूमत जमा सके. उस वक्त जो इंडोनेशिया की तरफ से जो मेन प्रॉफिट आ रहा था किसकी वजह से आ रहा था, मेन प्रॉफिट आ रहा था स्पाइसेस की वजह से. तो यहाँ पे डच को क्या लगा कि मेरे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल नीश बन रही है यहाँ पे, तो मुझे इसी के ऊपर फोकस करनी है रादर देन इंडिया के ऊपर. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी डच की कि उसने इंडिया को इंग्लैंड के बोल सकते हैं एज ए कंपनसेशन के तौर पे 1667 की जो कंपनसेशन में इंग्लैंड को दे दिया इंडिया. ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हैं जमीन किसी और की है एंड आया कोई और है एंड उसके ऊपर हक कोई और जमा रहा है. तो चलिए आगे चलते हैं इसी लेक्चर में कंटिन्यू. तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि इंडिया के अंदर डच डिक्लाइन क्यों होते हैं. देखिए सबसे मेन रीजन होती है वॉर्स, क्योंकि वॉर्स में क्या होता है कि दोनों तरफ से लॉसेस होते हैं. एक तो होता है मॉनेटरी लॉस और एक होता है लाइवली लॉस. ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉर चलती है वो इंग्लैंड एंड डच के बीच में. देखिए जो हमने कंपनसेशन की बात की है 1667 की जो कंपनसेशन है, ऐसा नहीं है कि उस कंपनसेशन और उस कॉम्प्रोमाइज के बाद सब कुछ सेटल हो गया था. उसके बाद भी वॉर कंटिन्यू चली है. अब आप देख सकते कितने लंबे टाइम की ड्यूरेशन है, नियरली यहाँ पे 22 ईयर के जो वॉर पीरियड है, 22 साल स्टूडेंट बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है. अब इस पूरे 22 ईयर के टाइम ड्यूरेशन में जो सबसे क्रूशियल वॉर थी वो होती है 1672 एंड 74 की वॉर. ओके, जो 1672 एंड 74 की जो वॉर हुई थी उसे जाना जाता है थर्ड वॉर बिटवीन एंग्लो एंड डच. राइट, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि 67 में कंपनसेशन एंड कॉम्प्रोमाइज हो गया था, लेकिन क्या आपको लगता है कि डच इतनी जल्दी इतनी प्रॉफिटेबल जो लोकेशन उसे छोड़ पाएगा. तो ये जो वॉर्स थी ये आगे कंटिन्यू रही. जो नेक्स्ट वॉर थी वो हुगली के बिटवीन देखी गई कि ये वॉर कब हुई थी, नवंबर 1759 में. ऑलराइट, ये इसका जो एंड रिजल्ट क्या निकला, ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं इस पूरे एरिया के अंदर किसका जो स्ट्रांग होल्ड होता है, डच का. एंड इस पूरे एरिया के अंदर किसका स्ट्रांग होल्ड होता है, स्ट्रांग होल्ड होता है ब्रिटिश का. तो अगर आप ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करता हूँ, पोर्तुगीज यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया, डच को हमने स्टडी कर लिया, तो हमें एक ही चीज़ पढ़ने को मिलती है कि प्रॉपरली इन्होंने अपने पावर एंड एग्रेशन का ही यूज़ किया है ताकि ये जितने भी नेटिव कॉलोनीज हैं उनको दबा सके. एंड इनका जो मेन मकसद क्या था, अपने आपको ट्रेड के अंदर फ्लरिश कर पाए. राइट, क्योंकि उस टाइम एक जो धारणा थी वो क्या थी, मर्केंटलिज्म. मर्केंटलिज्म देखिए जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझेंगे मर्केंटलिज्म, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सभी यूरोपियंस पार में ऐसा क्या था कि सभी में होड थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बनाते जाएं. देखिए उस टाइम धारणा क्या थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो वेल्थ है, राइट, जो धन है वो है लिमिटेड, तो जितना हो सके आप उसे लूट लो. ये इनका बेसिक कंसेप्ट था, क्योंकि इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जो गोल्ड है वो एंटायर वर्ल्ड में एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो जो जितना गोल्ड अपने पास एक्वायर कर सकता है उसी की सबसे ज़्यादा यहाँ पे पावर रहेगी एंड वही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा एंड मोस्ट कॉलोनीज को एक्वायर कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने अभी तक सीखी हैं. ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही रहेगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो इतनी डेप्थ में जो मैंने आपसे शेयर की है एंड जो उनके फ्यूचर स्टडीज़ में भी बहुत हेल्प करेगी. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो.